हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये है हमारी यामाहा FZS वर्जन 1 और इसमें कार्ब्यूरेटर है, फ्यूल इंजेक्शन भी नहीं आता है, ECU भी नहीं आता है और BCU भी नहीं आता है। फिर भी इसमें अगर किल स्विच ऑन करेंगे तो ये माल फंक्शन इंडिकेटर दिखाता है। इसमें ज़्यादातर बहुत सेंसर भी नहीं है, सिर्फ थ्रोटल पोजीशनिंग सेंसर है। फिर भी अगर ये लाइट चालू हो जाए, माल फंक्शन वार्निंग लाइट, तो इसको कैसे बंद करते हैं? इसका एक सिंपल सा रीजन है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये है कार्ब्यूरेटर और यहाँ पे है थ्रोटल पोजीशनिंग सेंसर। अगर ये सेंसर खराब हो जाए या फिर इसका वायर खराब हो जाए या फिर ये निकल जाए, मैंने आपको डेमो दिखाने के लिए इसका सॉकेट बाहर निकाल दिया है, तो मालफंक्शन इंडिकेटर लाइट ऑन हो जाएगी। और अभी मैं सेंसर को कनेक्ट कर दूंगा और मालफंक्शन लाइट को बंद करके दिखाऊंगा। अभी थ्रोटल पोजीशनिंग सेंसर के सॉकेट को हमने कनेक्ट कर दिया है। देखिए, इसको दबाने के बाद लॉक हो गया है। और अभी मैं इंजन चालू करूंगा, ये लाइट बंद हो गई। तो इस तरह से आप यामाहा FZS वर्जन 1 की माल फंक्शन इंडिकेटर लाइट को बंद कर सकते हैं।